नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निशा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बिहार विधानसभा अध्यक्ष पहुंचे भागलपुर, बाल संसद की कार्रवाई में शामिल, कहा कर्तव्यों का जनप्रतिनिधि करे पालन। तिहरे हत्याकांड और नाबालिग से दुष्कर्म मामले में पॉक्सो कोर्ट ने आरोपियों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा, पीड़िता को मुआवजा देने का दिया निर्देश। नदी में स्नान करने के दौरान 3 युवकों की डूबने से हुई मौत, गांव में पसरा मातम। ताईस मई को हुए बैंक लूटकांड का बेतिया पुलिस ने किया खुलासा, अपराधी गिरफ्तार। और कटिहार के पोस्टमार्टम रिपोर्ट से असंतुष्ट परिजन, नाबालिग लड़की का शव लेकर पहुंचे भागलपुर, न्याय की लगाई गुहार। अब खबरें विस्तार से। भागलपुर जिला स्कूल प्रशाल में आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के मौके पर बाल युवा संसद से सामाजिक नैतिक संकल्प अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा समेत भागलपुर, कहलगांव, भीपुर, नाथनगर एवं पीरपैंती के विधायकों ने सामूहिक रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान पक्ष विपक्ष की भूमिका में जनप्रतिनिधि बने छात्र छात्राओं ने विधानसभा की कार्यवाही को समझा, साथ ही एक दूसरे से सवाल जवाब किया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था बच्चे संसद की गतिविधियों को देखकर सीखे। बाल संसद कार्यक्रम में बच्चे ही सरकार और विपक्ष दोनों दलों की भूमिका में नजर आए। वहीं विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि यह जागरूकता अभियान से बाल संसद हम सबों को एक सीख देती है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, क्योंकि जनता ने हमें चुनकर उचित कार्य करने के लिए कुर्सी पर बैठाया है। हम उनके जनप्रतिनिधि हैं, उनका कर्तव्य हम पूर्ण रूप में निष्ठा से निभाएं। वहीं कार्यक्रम के दौरान स्कूल के छात्र छात्राओं, शिक्षक और काफी संख्या में बच्चों के अभिभावक मौजूद रहे। इसके अलावा विधानसभा अध्यक्ष ने कई कार्यक्रमों में शिरकत की। सूची से अलग एक एक प्रश्न आप लोगों से भी हम लोग लेंगे। वह प्रश्न आतंकित के रूप में जब सदन नहीं चलती है तो आपके माननीय सदस्य जो बैठे हैं उनके माध्यम से सदन में जाएगा। बड़ी गंभीरता के साथ प्रश्नों के उत्तर भी शालीनता के साथ देनी है। भागलपुर के व्यवहार न्यायालय स्थित 10 कोर्ट भवन में शनिवार को विशेष पॉक्सो के एडीजे 7 एमपी सिंह की अदालत में तिहरे हत्याकांड और नाबालिग के साथ दुष्कर्म मामले को लेकर सजा के बिंदु पर सुनवाई हुई, जिसमें दोषी पाए जाने पर आरोपी अमन झा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। वहीं सरकार की ओर से विशेष लोक अभियोजक नरेश प्रसाद शाह और जयकरण गुप्ता ने दलीलें पेश की। दरअसल मामला पुलिस जिला नवगछा के बिहपुर स्थित झंडापुर ओपी का है, जहां मामले में अभियुक्त अमन झा और उसके दो सहयोगियों ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया, जिसका विरोध करने पर आरोपियों ने पीड़ित पक्ष पर कुल्हाड़ी और चाकू से हमला कर उसकी हत्या कर दी थी। वहीं पूरे मामले को लेकर स्पेशल पॉक्सो के दोनों विशेष लोक अभियोजकों ने बताया कि इस मामले में दुष्कर्म एवं हत्या करने के जुर्म में कई धाराओं के तहत आरोपी को दोषी करार दिया गया है, जिसमें कुल 13 गवाहों को पेश किया गया है और आरोपी अमन झा को ताऊ यानी जीवित रहने तक जेल कारावास की सजा सुनाई गई। उन्होंने कहा कि विशेष न्यायाधीश ने अपने निर्णय में पीड़िता को 20 लाख रुपए सहायता कोष से देने का निर्देश दिया है, साथ ही पीड़िता के जिंदा बचे दो भाइयों को भी 10-10 लाख देने की बात कही। बता दें कि तिहरे हत्याकांड के 4 अभियुक्तों में शामिल बाले उर्फ बलराम राय, मोहन सिंह, मोहम्मद महबूबा उर्फ महबूब, कन्हैया झा उर्फ रोहित को पॉक्सो के विशेष अदालत ने 20 नवंबर 2019 को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। इस केस में मुद्दाले को जीवन के अंतिम सांस तक, जब तक वो जीवित रहेगा वो सजा काटेगा, इसकी जो मृत्यु होगी तो डेड बॉडी ही बाहर निकलेगा। दूसरा, इस कारण क्या हुआ घटना का कारण यही था कि विक्टिम जो लड़की थी नाबालिग, वो चापाकल पर अपने घर के बाहर स्नान कर रही थी। ये लोग मुद्दाले सब जो है उसको देख रहा था तो वो मना की, नहीं माना तो वो जाके अपने गार्जियन को बोली कि ऐसा बात है। उसके पिता आके इसको मना किए तो उसी में वो धमकी दिया कि साले सब को हम कुटिया के रख देंगे, और उसके बाद ये लोग घटना किया बेरहमी से। पीड़ित पक्ष द्वारा विरोध जताने पर
उनके परिवार वालों की हत्या की गई और उसके बाद घटना को अंजाम दिया गया। और दो का तो डेथ वहीं पर हो गया था, स्पोटे पर, घरे पर, और एक तो लड़का जो था वो हॉस्पिटल जाते जाते डेथ हो गई। और ये भी मरणोपरांत था, क्या नाम कहता है, लड़की भी जो थी वो समझिए मर गई थी, लेकिन ऊपर वाले की कृपा से बच गई पटना में जाके, और वहाँ तब जब होश हुआ 20 दिन के बाद तब वो बयान दिया है एसपी साहब। कहलगांव बटेश्वर स्थान स्थित गंगा नदी में शनिवार की सुबह स्नान करने के दौरान 3 युवकों की डूबकर मौत हो गई। मृतकों की पहचान पीरपैंती थाना क्षेत्र टोपरा टोला के इकोना गांव निवासी टुनटुन राय के 22 वर्षीय पुत्र राहुल राय, जो मेडिकल के फाइनल ईयर का छात्र था, दूसरा 18 वर्षीय पुत्र रोहित राय, और तीसरा इसी गांव के संतोष राय के 14 वर्षीय पुत्र शिवम राय की मौत बटेश्वर गंगा नदी में स्नान करने के दौरान हो गई। मृतक तीनों युवक बटेश्वर स्थान में अपने परिवार के मुंडन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए भागलपुर से कटुआ पैसेंजर ट्रेन से कहलगांव उतरकर बटेश्वर स्थान पहुंचे थे। वहीं घाट पर स्नान करने के दौरान यह हादसा हुआ और एक दूसरे को बचाने में तीनों युवक गहरे पानी में डूब गया। इधर घटना की जानकारी मिलते ही अंतिचक थाना पुलिस घटना स्थल पर पहुंचकर तीनों के शव को अपने कब्जे में ले लिया। घटना के बाद टोपरा गांव में मातम पसर गया। 22 मई को बेतिया नगर थाना क्षेत्र में फिनो एयरटेल पेमेंट बैंक लूटकांड का बेतिया पुलिस ने खुलासा कर दिया। लूटकांड की घटना को अंजाम देने में शामिल शातिर बदमाश अंजलि किन्नर सहित 7 अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए अपराधियों के पास से लूट की घटना को अंजाम देने में प्रयुक्त 2 मोबाइल, 1 पल्सर बाइक, 2 पिस्टल, 3 देसी कट्टा और 13 जिंदा कारतूस, 9,000 रुपये नकद बरामद किया गया है। मामले को लेकर बेतिया पुलिस अधीक्षक उपेंद्र नाथ वर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पकड़े गए अपराधियों के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। एसपी ने बताया कि लूट कांड का मास्टरमाइंड रोहित पुलिस दबिश के कारण कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। इन लोगों पे रेड करके इन लोगों को अरेस्ट किया गया है, जिसमें इन लोगों के पास से बैंक कर्मी से जो 2 मोबाइल लूटी गई थी वो बरामद किया गया है, और लूट की घटना में जो मोटरसाइकिल प्रयुक्त किया गया था वो बरामद किया गया है, और CCTV फुटेज में कुछ अपराधकर्मियों के द्वारा जो कपड़े पहने हुए थे उसके आधार पर एक अपराधकर्मी का जो कपड़ा है वो भी बरामद किया गया है, और इन लोगों के पास से 2 सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल और 3 देसी कट्टा बरामद किया गया है, साथ ही 13 जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया है, और लूट की रकम इन लोगों के पास से 9,000 रुपये बरामद किए गए हैं। चूँकि इन लोगों के द्वारा लूट करने के बाद दूसरे ये नेपाल चले गए थे और वहाँ पैसे सारे खर्च कर दिए थे, और इनमें से अभी भी कुछ लोग बाहर हैं। सुशासन बाबू की सरकार में हैवानियत की हद पार करने वाले दरिंदों को सजा और अपनी नाबालिग पुत्री को न्याय दिलाने के लिए परिजन दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। मामला कटिहार जिले के आजमनगर थाना क्षेत्र का है, जहां पिछले दिनों एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया था, लेकिन दबंगों ने अपनी दबंगई के बल पर मामले को रफा दफा करने का हर संभव प्रयास किया। वहीं कटिहार पुलिस की जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से असंतुष्ट परिजन नाबालिग लड़की का शव लेकर शनिवार को भागलपुर आ गए। दरअसल कटिहार जिले के आजमनगर थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दी गई थी। मामले को लेकर पीड़ित पक्ष का कहना है कि 24 मई को उनकी पुत्री लापता हो गई थी, जिसके लिखित शिकायत थाने में दर्ज कराई गई थी। वही शिकायत दर्ज कराने के 24 घंटे के भीतर परिजनों को बच्ची की मौत की खबर मिली। शव लेकर आए परिजनों ने बताया कि उनके पंचायत के मुखिया के भाई कुसुम लाल ने घटना को अंजाम देने के बाद पड़ोस की रेखा देवी के घर मृतका के शव को छिपा कर रख दिया था। साथ ही आरोप लगाया कि कुसुम लाल ने ही बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया और साक्ष्य मिटाने के लिए उसकी हत्या कर दी। परिजनों ने स्थानीय पुलिस पर घटना की जानकारी होने के बावजूद भी कार्यवाही नहीं करने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि आरोपी ने कटिहार पुलिस और डॉक्टर को मिलाकर पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनवा लिया है, इसलिए वे लोग अपनी नाबालिग पुत्री का छत विछत शव लेकर दोबारा भागलपुर पोस्टमार्टम कराने पहुंचे हैं। मृतका के परिजनों ने कहा कि वे लोग पिछले 4 दिन से न्याय के लिए भटक रहे हैं, जबकि मामले में संलिप्त आरोपियों की गिरफ्तारी तक नहीं हुई है। पीड़ित परिवार ने सरकार से दोषियों पर कड़ी कार्यवाही की मांग की है, साथ ही जिले के DM और SP से उनकी दिवंगत बेटी को न्याय दिलाने की गुहार भी लगाई है। मामले को लेकर कांग्रेस नेता मुजफ्फर अहमद ने बताया कि पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए जन आंदोलन किया जाएगा। रिपोर्ट करने के बाद भी जो कि पुलिस प्रशासन जो कि
कोई उसका जो कि छानबीन नहीं किया। उसके बाद 25 तारीख को जो कि हमको 25 तारीख का शाम को एक दूसरा लड़का हमको फ़ोन करके बोला कि यहाँ जो कि रेखा के घर में जो कि लाश है मरी पड़ी है, लाश मरी पड़ी है। तब जो कि हम पूरा गांव को जो कि आवाज़ लगा के ले आके जो कि लाश को जो कि बरामद किए। तब जो कि रेखा देवी कौन है? रेखा देवी जो कि बाजू वाली है। अच्छा, मुखिया का भाई जो है वही जो कि कुसुम लाल है। क्या किया आपकी बेटी के साथ, क्या घटना हुआ? मेरी बेटी के साथ जो कि बलात्कार करके और मार डंगा के जो कि फांसी लटका दी। कटिहार में भवानीपुर है जो आजमनगर जो थाना पड़ेगा, वहाँ 4 दिन पहले एक नाबालिग लड़की का जो है अपहरण करके उसका रेप किया गया है, बलात्कार किया गया है और उसको फिर उसकी हत्या कर दी गई है। उसके लिए हम लोगों को राहुल गांधी के जी के ऑफिस से प्रवीण सिंह कुशवाहा जी को जो ASSC के जो मेम्बर, उनको कॉल आया था कि इस पर न्याय दिलाया जाए, वहाँ आप लोग जाइए। हम लोग यहाँ कांग्रेस की तरफ से आए हैं कि कटिहार में जो हुआ है पहले ये इसका पोस्टमार्टम, ये परिवार के लोगों को उस पर भरोसा नहीं है क्योंकि वहाँ राजनीतिक दबाव के कारण वो उसका जो पोस्टमार्टम हुआ है उसमें इन लोगों को भरोसा नहीं है। इन लोगों ने मांग की थी, वहाँ की जनता ने आंदोलन करते हुए ये मांग की थी कि इसका पोस्टमार्टम दोबारा भागलपुर में कराया जाए। तो पूरी बॉडी लेके हम लोग यहाँ पर जो है ये लोग आए हैं। हम लोग कांग्रेस पार्टी की तरफ से यहाँ खड़े हैं कि उसके साथ कहीं पर भी नाइंसाफी न हो, उसको न्याय मिले। अब तो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे, देखते रहिए सिल्क TV। आपके नजदीकी शहर बौंसी बिहार में एकमात्र फार्मेसी कॉलेज मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, जिसमें आपको मिलेगी स्मार्ट क्लास, स्मार्ट लैब और लाइब्रेरी जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं। अब आप भी डी फार्मा और बी फार्मा जैसे फार्मेसी कोर्स कर एक निश्चित सरकारी या गैर सरकारी संस्था में जॉब पा सकते हैं, साथ ही अपना खुद का मेडिकल स्टोर भी खोल सकते हैं। इतना ही नहीं, बिहार झारखंड एवं केंद्र सरकार द्वारा प्रदत्त छात्रवृत्ति का लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। आइए अपने बच्चों को इंटर के बाद फार्मेसी कोर्स करवाकर स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनका स्वर्णिम भविष्य बनाइए। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत है, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भागलपुर व्यवहार न्यायालय से 17 मई को कुख्यात अपराधी तनवीर के फरार होने के बाद कोर्ट परिसर में शुक्रवार को पेशी के लिए आए एक बदमाश ADJ एक कोर्ट की छत से छलांग लगाकर फरार होने की कोशिश की, जिसमें वह असफल रहा। आरोपी युवक का नाम संजय बताया जा रहा है। दरअसल NDPS एक्ट मामले को लेकर न्यायालय में सुनवाई चल रही थी। इस दौरान मौका देखते ही आरोपी युवक कोर्ट परिसर से फरार होने के लिए छत से छलांग लगा दिया। हालांकि ड्यूटी में तैनात मुजाहिदपुर थाने के सिपाही ने भी छत से छलांग लगाकर आरोपी बदमाश युवक को दबोच लिया। वरहाल कोर्ट परिसर से भागने का यह दूसरा मामला सामने आया है, जिससे कोर्ट परिसर में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। हाथ कड़ी लगाकर हम खुद पकड़े हुए एकदम हाफ मीटर के दूरी पर। हाँ, उसके बाद और ये सरकार लिया, सरकार को जैसी भागा तो हम पीछे दौड़ गए। हाँ, ऐसा कूद गया, हम भी आगे जाके अगला ऊपर से कूद गया। हाँ, कूद गया, तो मतलब आप भी कूद गए। हाँ, कूद के भाग खा के दौड़ पकड़ लिए। भागलपुर सुल्तानगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत तिलकपुर कोलगामा स्थित मुख्य आवास के समीप बाइक सवार 3 युवकों ने एक युवती को हथियार दिखाकर डराने की कोशिश की, जिस पर ग्रामीणों की नजर पड़ते ही लोगों ने खदेड़कर बाइक सवार युवकों को पकड़ लिया, जबकि एक युवक मौके से फरार हो गया। वहीं इसको लेकर मुखिया अमित कुमार ने बताया कि वह BDO के साथ पंचायत के कार्य में व्यस्त थे, तभी ग्रामीण विशाल और छोटू ने फोन पर उन्हें 3 बाइक सवार युवक द्वारा हथियार लहराने और युवती को परेशान करने की जानकारी दी। मुखिया ने कहा कि इसकी सूचना उन्होंने तुरंत सुल्तानगंज थाना अध्यक्ष को दी, जिसके बाद SI किरण सोनी दलबल के साथ मौके पर पहुंची और हथियार के साथ 2 युवक को गिरफ्तार कर लिया। वहीं थानाध्यक्ष लाल बहादुर ने बताया कि तिलकपुर कोलगामा में दहशत फैलाने की कोशिश करते हुए ग्रामीणों द्वारा पकड़े गए 3 में से 2 युवक को हथियार के साथ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। थानाध्यक्ष ने कहा कि गिरफ्तार युवक की पहचान मोहम्मद लदाम और मोहम्मद सैफ के रूप में हुई है, जो गौरी का रहने वाला है। साथ ही कहा कि फरार युवक की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छानबीन कर रही है।
आज जो घटना घटी है, हम जांच करने के लिए नशोपुर में हम वीडियो साहब के साथ, उप मुखिया और अन्य कर्मचारी जो पंचायत के थे उनके साथ हम बैठे हुए कर रहे थे, तो पता चला कि ये हमारे घर के पास 3 अपराधी बाइक से आकर के हथियार लहरा रहा है। तो उसको मेरे भाई ने देखा, ग्रामीणों ने जब हल्ला किया, मेरे भाई ने देखा और उसको रपेट करके पकड़ा 1 किलोमीटर जा करके। तो हथियार के साथ पकड़ा। भागलपुर में माउंट जियोन स्कूल पिछले 5 वर्ष से शिक्षा की अलख जगा रहा है। इसकी पहली शाखा वर्ष 2018 में शाहपुर के किरणपुर में खुली। दूसरी ब्रांच +2 तक की पढ़ाई के लिए शहर के घुरन पीर बाबा चौक के समीप वर्ष 2020 में ओपन किया गया। वहीं शनिवार को भागलपुर DDC आवास के नज़दीक स्वामी विवेकानंद रोड आदमपुर में माउंट जियोन अकेडमी +2 की तीसरी शाखा हॉस्टल फैसिलिटी के साथ खुली। तीसरे ब्रांच का उद्घाटन स्कूल के चेयरमैन विष्णु सलामपुरिया, निदेशक रवि प्रधान, मैनेजिंग डायरेक्टर विनीत अग्रवाल, जनरल एडमिन कमलेश चौबे, एजुकेशन हेड संतोष कुमार श्रीवास्तव, समाज सेवी कुणाल सिंह और आगत अतिथियों ने संयुक्त रूप से फीता काट कर किया। इस दौरान कुणाल सिंह ने बताया कि माउंट जियोन एकेडमी पिछले कई साल से छात्र छात्राओं के बेस शिक्षा की अलग जगाते हुए क्वालिटी एजुकेशन देने का काम कर रहा है। उन्होंने स्मार्ट सिटी भागलपुर में सेकेंड ब्रांच खोले जाने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए स्कूल के शिक्षक कर्मी और स्टूडेंट्स को बधाई दी। डायरेक्टर रवि प्रधान ने कहा कि यहाँ साइंस कॉमर्स आर्ट्स के अलावा CACS, CMA, नेट, JEE मेंस, PCB, टैली, GST का प्रिपरेशन भी कराया जाता है। एजुकेशन हेड संतोष कुमार श्रीवास्तव ने जानकारी दी कि माउंट जियोन एकेडमी में सीमित सीटों पर सत्र 2022-24 के लिए दाखिला जारी है। उन्होंने कहा कि स्टूडेंट्स साइंस कॉमर्स और आर्ट्स में एडमिशन ले सकते हैं। इस अवसर पर साइंस हेड अरुण कुमार सिंह, शिक्षक आदित्य प्रभात, जिशान अहमद, अभिषेक श्रीप्रदा एवं माउंट जियोन के सभी शिक्षक कर्मचारी और स्टूडेंट्स उपस्थित थे। डिस्ट्रिक्ट में सबसे पहले 2017 में हम लोग न्यू डाले थे नर्सरी से लेकर के 10th के लिए। एक गांव है किरणपुर, ब्लॉक शाहकुंड और भागलपुर में, वहां पर 2018 में हम लोग स्कूल स्टार्ट कर दिए। उसके बाद 2 साल के बाद कोविड आ गया, फिर भी हम लोग हिम्मत करके एक ब्रांच भागलपुर में +2 के लिए खोले, जिससे हम लोग +2 में अच्छी पढ़ाई की व्यवस्था किए विनीत सर के निर्देशन में। उसके बाद फिर बच्चे बहुत आए हम लोग के पास, तो हम लोग को लगा कि नहीं और अच्छी सुविधा हम लोग को देना है, तो एक ब्रांच और यहाँ पर आदमपुर में खोल रहे हैं। यहाँ पर हॉस्टल के साथ साथ +2 की पढ़ाई होगी, जिसमें कॉमर्स और साइंस के अच्छे फैकल्टी के द्वारा पढ़ाया जाएगा। सर, यहाँ पे साइंस कॉमर्स एंड आर्ट्स तीनों की पढ़ाई कराई जाती है, साथ साथ में हम लोग नीट JEE की भी प्रिपरेशन कराते हैं, और जो कॉमर्स के बच्चे हैं उनको हम लोग CA, CS, टैली, GST की भी तैयारी अलग से करवाते हैं। साथ साथ में हम लोगों ने आर्ट्स के भी क्लासेस स्टार्ट किए हैं, और अभी जो CUCT का जो अभी सरकार ने एक सिस्टम बनाया है, आने वाले समय में हम लोग बच्चों को उसकी भी प्रिपरेशन करवाएंगे, जो कि आप यहां से निकलने के बाद जो बच्चे JEE और नीट करना चाहें वो इंजीनियरिंग के लिए जा सकते हैं, मेडिकल के लिए जा सकते हैं। इसके अलावा CUCT के माध्यम से वो अच्छे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन लें, ये हम लोगों ने इसी साल से प्रिपरेशन स्टार्ट कराने की सोची है। और ये भागलपुर में बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, मगर जो फैसिलिटी हम लोग दे रहे हैं रिगार्डिंग JEE नीट CACS को लेकर के, ये शायद ही और सारी यूनिवर्सिटी में स्कूल्स में इसकी फैसिलिटी। भागलपुर लोक शिकायत निवारण कोषांग के ADM अरुण कुमार सिंह सरकारी निर्देश पर संचालित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की जांच करने सनहौला के RR कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने करीब 1 घंटे तक स्कूल की बारीकी से जांच की। इस दौरान जांच के क्रम में विद्यालय में कुल नामांकित 186 बच्चों में से 166 उपस्थित पाए गए, जबकि विद्यालय में पठन पाठन समेत तमाम तरह की सुविधाओं एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के बारे में भी ADM ने जानकारी ली। वहीं जांच के क्रम में पूछे गए प्रश्नों का भी बच्चियों ने सही उत्तर दिया, जबकि सरकार द्वारा मिल रही सुविधा की भी जानकारी छात्राओं ने दी। मौके पर विद्यालय के संचालक एवं सभी शिक्षक शिक्षिका उपस्थित थे। भागलपुर जमालपुर रेल खंड के कबीरपुर के समीप एक युवक मालगाड़ी की चपेट में आ गया, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक की पहचान चंपानगर निवासी मोहम्मद आसिफ के रूप में हुई है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे वार्ड संख्या 12 के पार्षद प्रतिनिधि सीमू खान और स्थानीय लोगों की मदद से आसिफ को निजी एम्बुलेंस से अस्पताल पहुँचाया गया। इधर स्थानीय लोगों का कहना है कि मालगाड़ी की चपेट में आने के कारण आसिफ को जोरदार झटका लगा और उसके सिर पर काफी चोट लगी है। और अंत में चलते चलते फिर से एक नजर आज की हेडलाइंस पर।
बिहार विधानसभा अध्यक्ष पहुंचे भागलपुर, बाद संसद की कार्रवाई में शामिल, कहा कर्तव्यों का जनप्रतिनिधि करे पालन। तिहरे हत्याकांड और नाबालिग से दुष्कर्म मामले में पॉक्सो कोर्ट ने आरोपियों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा, पीड़िता को मुआवजा देने का दिया निर्देश। नदी में स्नान करने के दौरान 3 युवकों की डूबने से हुई मौत, गांव में पसरा मातम। ताईस मई को हुए बैंक लूटकांड का बेतिया पुलिस ने किया खुलासा, अपराधी गिरफ्तार। और कटिहार के पोस्टमार्टम रिपोर्ट से असंतुष्ट परिजन, नाबालिग लड़की का शव लेकर पहुंचे भागलपुर, न्याय की लगाई गुहार। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।